किया है, आप उधर उनकी सहाबा की नस्लों को गाली दे रहे हैं, और जिसको आप बोले इन्हों बहुत नेक है, उनकी पूरी नस्लों को आज तक नेक बना के रखे हुए। ये नाइंसाफी की बात है। हर हाल में हक बात करेंगे हम, अजमत असहाब की ही बात करेंगे। एक मौली साहब निकाह पढ़ाने बैठ गए, बंबई की बात है, एक लड़का सोने की अंगूठी पहने हुए था। मौली साहब आए, कहने लगे बेटा ये सोना मर्द के लिए हराम है, इसको उतार। बोला क्यों? कहीं हराम चीज तेरे ऊपर रहेगी तो निकाह नहीं होगा। मौली साहब ने उतार, दो बच्चे ने लड़का था निकाह उसके साथ। अब पढ़ाने लगे, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदु व नस्तईनु, पूरा पढ़ाने के बाद निकाहो मिन सुन्नती, और सब पढ़ने के बाद कहने लगे कि फला फला लड़की फला फला की बेटी इतने इतने रुपए मेहर के वज मैं आपके निकाह में दे रहा हूँ, आपने कबूल किया? उसने कहा मैंने कबूल किया, तीन मरतबा जब कह चुका तो मैं वही निकाह में गया था लड़के वालों की हैसियत से, लड़की की तरफ से। तो मैंने उस मौली साहब से पूछा, वो लड़की वाले लेके आए थे मौली साहब, मैंने कहा मौली साहब ये अंगूठी आपने क्यों उतरवा दी? बोले सोना मर्द के लिए हराम है। मैंने कहा वो तो सही है, लेकिन उतरवाई क्यों है? कि हराम चीज जब जिस्म पर रहेगी तो नमाज कैसे हो जाएगी? तो निकाह कैसे होगा जब हराम चीज पहने हुए? मैंने कहा मौली साहब आपको उसके जिस्म पर सिर्फ अंगूठी ही दिखी थी और कोई हराम चीज नहीं दिख रही है। बोले क्या? मैंने कहा ये सेहरा बांध के जो आया है हाथी की सूंड की तरह जो लटका है ये जायज है क्या? मैंने कहा ये हाथ में जो मेहंदी लगा के आया है जो औरतों के लिए जायज है, ये मर्द होकर ये लगा के आया है, ये मर्द के लिए भी तो मेहंदी हराम है। सिर्फ दाढ़ी में लगा सकता है, बाल में लगा सकता है, इतनी इजाजत है, लेकिन वो अपने हाथ में मेहंदी लगा के आया है, लिहाजा इसके हाथ में मेहंदी है, अब तो निकाल नहीं हुआ है, इसकी मेहंदी को हटाओ। बोला कैसे हटाए? तो हाथ में लगी हुई है। मैंने कहा तेजाब मलो। हमने कहा और ये इसके चेहरे पर आपने क्लीन शेविंग नहीं दिख रही है, पूरा साफ दाढ़ी मुड़ा के आया है, बिल्कुल कटवा के स्क्रीन से भी, ये हराम नहीं है? अगर अंगूठी के बगैर निकाह जायज नहीं, अंगूठी हटाने के बाद ही निकाह होता अंगूठी पहनकर नहीं, तो फिर दाढ़ी कटाकर कैसे हो गया है? शेविंग करा के कैसे हो गया है? हाथ में मेहंदी के साथ कैसे हो गया है? ये सेहरा बांधना भी तो गलत है, ये कैसे हो गया है? कहने लगा आपका नाम? मैंने कहा मोहम्मद जर्जीस। मैंने सुना है मैंने आपकी तफसीर कैसे ऊपर तभी बोल रहे हो, वरना इतना कौन बोल सकता है? जवाब तो नहीं दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है, तो जितना हो सकता है उतना आदमी करता है। जिस तरह एक बाल्टी पानी में पेशाब का एक कतरा चला जाए पूरी बाल्टी पानी नापाक हो जाता है, उससे आप वुजू नहीं बना सकते, उसको आप पीने के काम में नहीं लाते। शादी सुन्नत रसूल है, उसमें एक भी बिदा तो खुराफात अगर आपने अपनी तरफ से दाखिल कर दी तो पूरी शादी बेकार हो जाती है। अब आप अंदाजा लगाइए कि हमारी शादियों में दीन का कौन सा काम रह गया सिवाय एक निकाह के मौके पर? निकाह के अलावा और कौन सा काम सुन्नत के मुताबिक हो रहा है? शादियों में बारात नहीं डाकू ज्यादा जा रहे हैं, शादियों में आवाम कम लुटेरे ज्यादा जाते हैं, 200-250। आप हंस रहे हैं, इनको चोर कहा गया लड़की वाले क्या? बंबई के निकाह में मैंने देखा है दूसरी जगह, जब मेहर की बारी आई तो लड़के ने कहा, लड़की के बाप ने कहा कि मेहर भी रखो 1,00,000 हो गया, लड़के वालों के 1,00,000 हो गया, सही ज्यादा है नहीं दे पाएगा, उसने हम कुछ नहीं जानते 1,00,000 हो गया। हम लोग भी पहुंचे लड़की के बाप से कहने लगे यार ये तरीका गलत है, मेहर उतना होना चाहिए जितना